राम राम भाई। मनोज कुमार जी, राम राम भाई, सत श्री अकाल सारा। राम राम अंकित, बढ़िया भाई तू बता। राम राम कमल भाई जी, सीपा जैलदार, मीरपुर टीम दी रीढ़ दी हड्डी। बढ़िया सीपे भाई, तेरे बारे अगे बोलांगे कोई नहीं। राम राम चांगली साहब, सत श्री अकाल। आजो आजो भाई, बढ़िया। प्रदीप भाई तू दस, प्रदीप दसाऊं दिया। राम राम सिहाग साहब जी, कैसे हो भाई जी। राम राम राजेश जी, राम राम चिंटू भाई जी। आवाज़ सेट आउंदी है भाई, बोल के दस्यो, कमेंट करके दस्यो। बढ़िया भाई जी, हैप्पी रहना चाहिए सब नू। परमात्मा सभी को हैप्पी रखे। स्मैशिंग जो शुरू से ही पूछना है अंकित भाई, फिर तो सबसे पहले तो मेरे दादाजी खेलने लगे थे, उनके 9 मेडल थे, गोल्ड भी थे 4, दो कुछ सिल्वर भी थे, कुछ ब्राउन भी थे। उसके बाद मेरे चाचा जी खेलने लगे थे, वो भी पंजाब पुलिस में DSP हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे लगाया था, मैंने 10 साल खेली है स्मैशिंग, और उसके बाद वो टूर्नामेंट ख़त्म हो गए, फिर इधर आ गए थे शूटिंग में। मेरे गांव के लड़के खेलते थे वैसे ही, टाइम पास, बस टाइम पास से हमने थोड़ा आगे काम कर लिए। जय श्री राम भाई जी, रमेश शर्मा जी, गुरविंदर झिंजर, हेलो भाई जी। यादगार वैसे तो टूर्नामेंट तो अंकित भाई सभी यादगार होते हैं, पर मेरे 2-3 टूर्नामेंट हैं जो यादगार हैं। एक तो फिरोजपुर ज़िले में तूत में खेला था, एक जंडा वाला टूर्नामेंट। जंडा वाला के दोनों टूर्नामेंट ही मुझे बहुत अच्छे लगे थे, पहले वाला भी और इस बार वाला भी। बढ़िया गुरविंदर भाई जी, तुसीं दसो। बढ़िया बढ़िया जीते भाई, राम राम, कैसे हो, ठीक ठाक हो। राम राम भाई, पंकज शर्मा जी, भाई दस्सो एक बार यार, भी आवाज़ सेट आती है, कई बार माइक में प्रॉब्लम होती है।
थैंक यू अंकित भाई, मैंने भी बहुत बढ़िया लगे आपके साथ खेल के। बढ़िया टीम है आपकी, बढ़िया कॉम्बिनेशन है। मैंने आपको पहली बार देखा था वहाँ पे मोहाली में, बलोट की टीम को, तभी मुझे बहुत अच्छी लगी थी आपकी टीम। गेम भीरे गुरविंदर चलती है साड़ी, तो बंद ही नहीं हुई इस तरह, लॉकडाउन च भी नहीं बंद हुई साड़ी। पहला स्मैशिंग चल पी सी उत्थे थोड़ा जहा, एक दिन वो स्कूल के साडे रखे हुए थे करोना वाले, वो मुलाजम कह के जाके बंद हो गई सी, फिर अभी शूटिंग चला ली। राम राम सोनू जी। थैंक यू वरिंदर भाई, वरिंदर अपना क्लोज फ्रेंड है जी सब तो। थैंक यू जीते भाई, तेरी भी गेम बहुत बढ़िया, मैंने बढ़िया लगती गेम तेरी। जब बुलाओगे तब आ जाएंगे भाई। आना था करा साहब वालों का, बेचारा बेचारों का 2 बार टूर्नामेंट कैंसिल हो गया, वहां पे खेलना था। अब तो लॉकडाउन के बाद ही खेलेंगे, जब टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएंगे ना। और कहीं आऊं ना आऊं, तेरे गांव तो पक्का आऊंगा। राम राम संजय भाई, संजय कैंथल। और संजय ठीक हो भाई, बच गए कोरोना से? तुझे तो काम बोला था मैंने, एक वो कर दी यार मेरा। राम राम भाई कुलदीप दुहान जी। अंकित, तो बात ऐसी है वीरे, एक दो करेक्शन बहुत करने वाली हैं। पहली बात तो है, जिस एरिया में जाते हैं उस एरिया का अपने अपने रूल होते हैं, एक रूल नहीं है इस गेम का कोई भी, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। दूसरी बात मुझे ये नहीं अच्छी लगती, ये ग्रुप बना रखे हैं व्हाट्सएप पे, कोई 10 टीमों का बना रखा है, कोई 20 टीमों का बना रखा है, कोई 25 टीमों का बना, वो छोटी लीग करवा देते हैं। कंपटीशन बड़ा होगा तभी गेम की वैल्यू बढ़ेगी ना। ये उसको नहीं ऐड करना है इस लीग में, उसको नहीं ऐड करना, वो जीत के चला जाता है, ये मुझे बातें पार्शलिटी वाली अच्छी नहीं लगती। लीग का तो मतलब ये होता है, लीग का मतलब संघ होता है, अभी छोटा प्लेयर खेलना स्टार्ट करेगा, छोटा कंपटीशन होगा, जो अच्छा प्लेयर बन जाएगा वो बड़े कंपटीशन में चला जाएगा। लीग होनी चाहिए, लीग के बिना तो किसी गेम का कुछ भी नहीं बचता। पर लीग को भी जब भी लीग में भी राजनीति होने लग जाती है तो उसका फिर क्या फायदा। मैंने आप बहुत प्लेयरों के मुंह से सुना है, उसको नहीं बुलाना उसको नहीं बुलाना, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। एक रूल एक होने चाहिए सारी गेम के। ठीक है भाई जी, गुरविंदर जी, थैंक यू भाई। वैसे तो भाई जीते सारिया टीमें वधिया होंदियां, पर मैनू वधिया लगदियां ने रायसर, खनाल, मीरपुर, लालियांवाली दी टीम,
ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੈਂ ਜਦ ਖੇਡਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਥਰੇੜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੈਥਲ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਲੋਟ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੰਕਿਤ ਬਾਈ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ 6-6 ਕਈ ਅੱਛਾ ਬਣੀ ਤੋਂ ਜੋ ਵਾਲੀਬਾਲ ਹੈ 6-6 ਕਈ ਹੈ, ਸਾਥ ਸਾਥ ਮੈਂ ਉਤਨੇ ਬੜੀਆ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਕੋ ਮਿਲਤੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਤਾਂ 6-6 ਕੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਾਈ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਮਨੂ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ ਵਧੀਆ। ਵਧੀਆ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਸੱਤ ਨੌ ਸੱਤ ਦਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਸਮੈਸ਼ਿੰਗ ਬਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2.43 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ 19 ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਖੇਡੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ, ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਵਧੀਆ, ਸੰਦੀਪ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਵਧੀਆ ਰਮਨ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਰਮਨ ਨਾਗਰਾ ਬਾਈ ਪਿਰਥੀ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ, ਸੁੱਖੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਬੈਸਟ ਤਾਂ ਪਲੇਅਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਖੇਡਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਗੇਮ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਦੇਖੇਂਗੇ ਤਾਂ ਜੱਸਾ, ਜੁੰਟੀ, ਸੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜਪੁਰਾ, ਸਟੈਮਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਗੋਪਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬੈਸਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਸਾਰੇ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੱਚੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੂਟਰ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੱਸੇ ਹੋਰੀ। ਵਧੀਆ ਗੁਰਜੀਤ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਰਵੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਬਾਈ, ਮੈਨੇ ਤੋ ਉਸਕੋ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਕਬ ਹੁਆ ਥਾ ਜੋ ਚੜਿੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁਆ ਥਾ,
वो तीर्थ भरोसा के साथ ना, गुरी काली वाले के साथ उसका मैच था। मैंने उनको बाहर, जब वो हार गए, मुझे नहीं मालूम किस कौन सी टीम में खेलता, मैं याद नहीं है, और वहाँ पे मैंने रवि को खेलते हुए देखा था, बहुत पावर से बॉल जाती थी इसकी। रवि तो रवि है फिर। स्पीड के मामले में मुझे रवि सबसे अच्छा लगता है। वधिया रिक्की भाई, तुसी दसो ठीक ठाक हो? लाइव का तो परमजीत को बोलो, रवि को बोले लाइव करे, परमजीत ही कर सकता है ऐसे वैसे काम तो। आ जाओ गिल साहब, हाँ जी वीरे, गेम शुरू करती, गेम अच्छी तो बंद ही नहीं की साड़ी, स्टार्ट ही रही है गेम। थोड़े दिन बंद की सी गेम असी। नहीं भी रे, कोचिंग नहीं देंगे, कोचिंग लेंदे हैं जी असीं। सिपा जरदार जी तेरे सब ना। डिफेंस के मामले वैसे तो मैं सारे ठीक लगते हैं, पर सिपे भाई ज़्यादा बैटर मैनू प्रदीप दसौंदी है, तो वरिंदर चांगली, इन दोनों का डिफेंस मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। एक गुरदीप खनाल का भी डिफेंस मुझे अच्छा लगता है। यशपाल, बब्बू मान जी, बब्बू मान हो ठीक ठाक हो बब्बू मान साहब? विकी भाई मुझे बहुत बढ़िया लगा खेल के, कॉम्बिनेशन के साथ खेलती है पूरी बलोट की टीम। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, जब मैं झंडा वाला टूर्नामेंट में पहली बार इनके साथ खेला था बलोट की टीम में, इनका कॉन्फिडेंस नहीं लो होता बिल्कुल भी। ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी आपकी टीम की। बिल्लू पंडोरी के बारे में मैंने तो भाई उसका एक बार उसका मैच देखा था, मैं गया था आदमपुरे टूर्नामेंट पे, वहाँ पे खेलते देखा था मैंने पहली बार उसको, बहुत स्पीड थी उसकी। मैं नया नया खेलने लगा था क्योंकि स्मैशिंग छोड़ के इधर शूटिंग खेलने लगा था, वैसे ही चला गया था मैं उसके आदमपुरे मोने के गांव में, वहाँ पे खेलते हुए देखा था मैंने उसको, बहुत स्पीड थी उसकी, बहुत अच्छा खेलता था। अभी कोई चलो रुझे में हो जाते हैं बंदा, टाइम ज़्यादा ज़रूरी है खेलने के लिए, फ्री होना। बढ़िया गेम है उसकी, अच्छी गेम लगी मुझे बहुत। थैंक यू भाई, सारे ने करवाने चाहिए अब यशपाल जी, टूर्नामेंट बहुत घट गए, टूर्नामेंट तो बहुत ज़्यादा होने चाहिए।
कच्ची दा नेटमैन टॉप दा कच्ची दे नेटमैन भाई मैं जिन्ने जेड़े जेड़े सीपे खेड़ते दे देखे उहदे विच इक तां सिमरा बुरज भलाई ते गगना राय सर ते पीता खेड़ी कमल दसौनिया मैनू नेटमैन वधिया लगदे ने। बाकी जे मीडियम गेम दे विच देखिए तां मेरा बेस्ट नेटमैन हैगा भुपिंदर खंजरवाल, वो मैनू बहुत वधिया लगता खेडदा। फर्क तो यार जीते भाई ऐसा है कि ओपन में तो आपको भी मालूम है आप रोज़ खेलते हो, बड़ा कंपटीशन हो जाता है। फिर जो लिमिटेड प्लेयर हैं उनको ज़्यादा प्लेयर नहीं मिलते थोड़े, मैं समझता हूँ ऑल ओपन अगर ज़्यादा होने लग जाएगी तो स्मैशिंग वॉलीबॉल वाला काम हो जाएगा, गेम का ख़त्म हो जाती है, खात्मा हो जाता है गेम का। +1 या +2 वाला मुझे ठीक लगता है, 2 प्लेयर बारो या 1 प्लेयर बारो वाला मेरे हिसाब से, मेरा सोचना तो ये क्यों, मैं क्योंकि मैंने देखा है स्मैशिंग वॉलीबॉल को, चलो उन दोबारा चल पड़ी पर एक बार स्मैशिंग वॉलीबॉल के टूर्नामेंट होने ही खत्म हो गए थे, वो भी वाल ओपन हो गई थी, 8 टीम रह जाती थी, 8 में से देख लो आप कितना टाइम लगता होगा टूर्नामेंट होने को। बढ़िया राज भाई, तुसी दसो ठीक ठाक हो? होने चाहिए ऑल ओपन, पर उसके साथ साथ मुझे लगता है कि नरोल या एक बार का या 2 बार का टूर्नामेंट जरूर होने चाहिए। जैसे मेरे एरिया की टीम है, 2-4 टीमें इधर खेलती हैं, वो बड़े टूर्नामेंट पे जाती नहीं ना, टीम बढ़िया टीम है वो, ये मेरे गांव के पास है बुरज ढिलमा है, कई है 25-30 टीमों का ग्रुप बना हुआ है, वो बड़े कंपटीशन पे नहीं जाते, वो बोलते हैं हमें प्लेयर तो मिलता नहीं। मैं उनको बहुत बोलता हूँ तो आप ये आप लोग टूर्नामेंट खेला करो, उनका हमेशा ये जवाब होता है कि हमें यार प्लेयर नहीं मिलता भाई, कभी कहीं 2 प्लेयर 12 का टूर्नामेंट होता है, कहीं 1 बार का होता है। अजय महाराज बढ़िया, अजय भाई तुसी दसो ठीक ठाक हो? गगन सिद्धू है लो, गिनी किमें भाई ठीक ठाक हो? कितने आ गया ताया, मैंने दिखाया नहीं है। अच्छा कुछ नहीं राज भाई, बस बेले करे, पता तो है तुहानू कोरोना करके घरे बैठे हैं बस सारे। वधिया कि नहीं भाई तुसी दसो? टोचन, टोचन दा मैंने जीते भाई, मुझे पता नहीं किसको बोलते आप लोग, जो थोड़ा क्लियर कर दो। गेम बढ़िया चल रही है भाई अजय।
टोचन मैंने उस दिन भी देखा था लाइव में, मुझे मालूम नहीं है टोचन को आप किसको बोलते हो। गौरव जी टूर्नामेंट को तो मुझे मालूम नहीं कब स्टार्ट हो गए, पर एक हमारे इस मेरे एरिया में लीग तो काफ़ी 4-5 बार लीग हो चुकी है, और थोड़ी सी वो डिस्टेंसिंग सी तो खेल लेते हैं। टूर्नामेंट को तो नहीं भाई पता, अभी तो गवर्नमेंट की ही है कब करवाएगी स्टार्ट। सिमरा सरपंच भाई ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सिमरे भाई। सर भाई हेरिटोलॉजी के में हूँ ठीक ठाक हूँ। नहीं नहीं सिमरे भाई बढ़िया मैच लग गया थी अपना। बाकी तुम्हें पता ही है जित हार बनी आई है। सा सा है भाई परमजीत ठीक ठाक हूँ। कैमिया भाई परमजीत ठीक ठाक हो। अच्छा अच्छा
मुझे मालूम नहीं, बता मालूम नहीं था भाई, पिटोचन को बोलते बट्टी बाल वाली पिटोचन बोलते हैं। मेरे हिसाब में पट्टी बाल तो जो बना के हिट करते हैं वही ठीक लगता है मुझे, क्योंकि मैं स्मैशिंग खेल रहा हूँ, मुझे लगता है मुझे वही ठीक लगेगा। थर्ड बॉल को चाहे अंडर हैंड उसको खड़ी करना और उसको उसके बाद हिट करना, मेरे हिसाब में तो यही रोल ठीक है, क्योंकि संगरूर बरनाले एरिया में ऐसे ही चलता है। हाँ जी भाई, गेम चल दिया, गेम तो अपने बंद ही नहीं हुई परमात्मा की कृपा नाल। महेंद्र भाई मेरा यादगार मैच तूत सीगा, उत्थे मेरे जिन्ने भी मैच लगे सी सारे वधिया सी। बढ़िया नरेंद्र जी, आप बताओ। गेम जी, मैंने मेरे घर वालों ने तो मुझे लगाया था स्मैशिंग वॉलीबॉल खेलने, उसके बाद 8-9 साल खेलने के बाद मैं इसमें शूटिंग खेलने लग गया था। 2 साल हो गए मुझे शूटिंग खेलते, 2-2.5 साल। पंजाब में पहले तो मैं अकाल डिग्री कॉलेज मस्तूणा साहब में खेलता था, उसके बाद मैं चला गया सी नेशनल कॉलेज भी की। वरिंदर भाई ख्याली वाले जी तो गल ही ना कर, उसे तो बहुत होर ही कुछ हो गया सी। उहदा तो मैंने भी टूरनामेंट खेडा ही नहीं है, बस एक चले गए रीडर साहब दी। उत्थे तां तेरा भी लाइव करन नूं जी नहीं कीता होना। वधिया भाई, दसे तू दस आगा सुपरस्टार और कच्ची बल्लीबाल दा। वरिंदर जांगली की गेम के बारे में मुझे दो बातें बहुत अच्छी लगती हैं, एक तो इसकी पट्टी तोड़ना और दूसरा थर्ड में डिफेंस। तूत मैं हारा सीगा जॉन्टी तो फाइनल मैच, वधिया। कुलविंदर भाई जी तुसी दसो ठीक ठाक हो? नमस्ते मणि, होर ठीक ठाक है? मेरे पिंड दा नेटमैन
मनमीत ढिल्लों। थैंक यू जादू रुपिंदर औल का। थैंक यू भाई। नरेंद्र जी फेडरेशन के बारे में, जहाँ तक फेडरेशन की बात है, मुझे बहुत अच्छे लगते थे फेडरेशन के रूल। सबसे बढ़िया रूल तो था टाइमिंग का, टाइम से टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता था। एक कोई रूल थे सभी के लिए, फाइन था प्लेयर अगर लेट आते थे। सारे रूल फेडरेशन के बढ़िया थे। फेडरेशन खत्म होने के बाद ही कोई 7 बजे आता है, कोई 8 बजे आती है, कोई टीम 9 बजे आती है। सारा सिस्टम जो सारा चेंज हो गया है। रूल कहीं का कभी किसी टूर्नामेंट पे कोई रूल होता है, किसी टूर्नामेंट पे कोई रूल होता है। इसीलिए फेडरेशन के बाद मेरा मानना है कि टूर्नामेंट कम बहुत हो गए। पहले बहुत टूर्नामेंट होते थे पंजाब में कच्ची के। सो मुझे लगता है कि फेडरेशन दोबारा बननी चाहिए। जीता भाई मेरी बस की बात नहीं है ना, मैं तो चाहूँ 5 बजे टूर्नामेंट स्टार्ट करवा दूँ सुबह, पर प्लेयर अपनी अपनी मजबूरी बताते हैं। हमारे 2 बंदे कम हैं, हमारे 4 बंदे कम हैं, बस फिर कमेटी को मजबूर होना चाहता है। ये तो कमेटी के, मेरे मुझे लगता है कि कमेटी ही कर सकती है अभी। भाई इतने बजे आओगे तो एंटर कर लेंगे, नहीं आओगे तो आपकी मर्जी। लिमिटेड टीम तो सुबह से खेल रही है, और कोई तकड़ी टीम है वो बाद में आके सारा टूर्नामेंट जीत के घर चली जाती है। मुझे रूल नहीं, काफी रूल नहीं मुझे शूटिंग वॉलीबॉल कच्ची के अच्छे लगते। मेरे हिसाब नाल तां करेक्शन होनी चाहिए है बहुत रूलों की। थैंक यू परमीत भाई। सब तो वधिया पिंदर धारीवाल भाई, प्लेयर तो सारे ही वधिया ने, पर मैनूं कुछ प्लेयर हैगे ने जो वधिया लगते ने अटैक ते डिफेंस, जिवें गोपा, सत्ता, जस्सा, गिन्नी लालेवाली, रवि, सनी ठुलीवाल, कब्बा कनाल, ये कुछ ऑलराउंडर प्लेयर ने जिहड़े अटैक भी वधिया करते ने डिफेंस भी वधिया करते ने। ਭੁੱਖੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜੀ ਜੀ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਜੋਏ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਭੁੱਖੜੇ ਦਾ, ਵਧੀਆ। फेडरेशन का मुझे लगता है सारा सहयोग ही होता है नरेंद्र जी। सबसे बढ़िया बात तो ये प्रबंध बढ़िया होते हैं,
टाइमिंग का जितना टाइम है उस फेडरेशन ने बता दिया, उस टाइम पे टीम को जाना पड़ता है, मैच नहीं लेट होते। नहीं मैंने देखा है टूर्नामेंट पे कमेटी टीम बोलती है इस ग्राउंड पे नहीं खेलेंगे, उस ग्राउंड पे नहीं खेलेंगे, ऐसे करते करते ही बस आपको पता ही है टाइम खराब हो जाता है। सिंगल हैंड भी, सिंगल हैंड भी दिखा देंगे जादू करे कोई। रवि के, राहुल जी, रवि रवि की मुझे स्पीड बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी अच्छी स्पीड है उसकी। उसका एक मुझे सबसे बढ़िया बात यह लगती है वो डिफेंस वाली बॉल पे चार लगा देता है। रवि एक नंबर प्लेयर है मुझे लगता है। हेलो अनिल जी, कैसे हो भाई? राम राम। परमजीत सोही, मैं बारे मैं पहली बार रायसर टूर्नामेंट ते खेडदे नूं देखा सी, पर उत्थे दिलशाद कमेंट्री दे विच बार-बार बोल रहा सीगा, मेरे नहीं याद कि परमजीत कई टीम च खेडिया सी, पर उत्थे ये बहुत सोहना खेडिया रायसर, उदे तो मैनूं वधिया लगन लग गया सीगा। फिर असीं इक टूर्नामेंट ते असीं इकट्ठे खेडे सी, पहला टूर्नामेंट असीं खुड्डी दी टीम च खेडे सीगे काले के धनौले कोले, ਉੱਥੋਂ ਬਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਲਿਆ ਜਾਊਗੀ ਸੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ। ਗੇਮ ਪਰਮਜੀਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲ ਕੋਲੇ ਡ੍ਰੌਪ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਾਈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਜੀ, ਬੜੀਆ ਬਾਈ, ਆਪ ਬਤਾਓ। कैंथल की टीम में मैं वहाँ पे खेला था, पहले मैंने खेल ये भी खेलते हुए देखा था इनको ख्याली वाले के टूर्नामेंट पे, फिर उसके बाद मैं खेला था इनके बोड़ा बाल था मानसा के पास, बढ़िया गेम है संजय की, बहुत अच्छा खेलते हैं, डिफेंस भी अटैक भी, बाबा की गेम भी बहुत अच्छी है, सारी टीम ही अच्छी लगी मुझे कैंथल की। जैसे मैं पहली बार खेला था हमारी पोजीशन लगी थी वहाँ पे, कोशिश करेंगे आगे भी खेलेंगे उनके साथ, कैंथल और वलोट के साथ। थैंक यू गिन्नी भाई, गिन्नी गिन्नी का भी डिफेंस कच्ची दी दुनिया जो मनाया गया है। थैंक यू परविंदर भाई, आपा इंसान पहला प्लेयर बाद च। कोई बात नहीं, जीते भाई सिखा देंगे। सिंगल हैंड तो मेरे हिसाब से 1 महीना 2 महीना स्मैशिंग बॉली बॉल खेल लो, जितनी मर्जी सिंगल हैंड की लगा लेना, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस स्मैशिंग में होती है सिंगल हैंड की, यहाँ तक मुझे लगता है, बाकी अपने अपने विचार हैं। जैसे भाई तेरे से अच्छी सिंगल हैंड कौन कौन लगा सकता है, तू मजाक कर रहा है मुझको भाई।
वधिया साहिल जी, साहिल और थैंक यू कुलविंदर भाई, तुम बहुत सोहना खेलते हो। थैंक यू परविंदर भाई पिंदे। पंजाब की बेस्ट टीम जी, मेरा मानना तो यह है जो टूर्नामेंट पे चली जाती है सभी टीम ही बेस्ट होती है, पर है ये दो चार टीम जो मुझे अच्छी लगती है, रायसर, खनाल, मीरपुर मुझे बहुत अच्छी लगती है टीम, दसौंधिया, लालियांवाली, ये टीमां जिन्होंने मैं खेलते हुए देखे है, ये मैंने वधिया लगदियां ने टीमां, चैनेवाल। परमिंदर सिंह सेखों, वधिया भाई जी, तुसीं दसो ठीक ठाक हो? अपने गांव का सीएम प्लेयर, वो हमारा सीनियर प्लेयर है जी, जो हमारे गांव का सुखजीत है उसका नाम, स्मैशिंग वॉलीबॉल का बहुत बढ़िया प्लेयर है, हमारे साथ अभी भी खेलता है, बहुत बढ़िया गेम है उसकी। एक मेरे गांव का रुपिंदर औलख है, उसकी गेम बहुत बढ़िया है। एक मनमीत ढिल्लो है, हमारा नेटमैन है, बहुत अच्छा खेलता है। हुण तक भाई मैं खेल चुकिया एक थोड़ा सुखन वाला की टीम, आपकी गिलजे वाला की टीम, जस्से राय सर की टीम के साथ भी खेला हूँ, चैनेवाल की टीम के साथ भी खेला हूँ, और ये बलोट की टीम के साथ खेला हूँ, कोटली मेरे एरिया की टीम है उसके साथ खेला हूँ, चौवा मेरे एरिया के पास वहाँ की टीम के साथ खेला हूँ, कैंथल की टीम के साथ खेला हूँ, बाकी याद नहीं है जितनी की ज़्यादा मैंने बता दी। धनेठे की टीम, हाँ धनेठे की टीम भी बहुत बढ़िया, भुजो वाली की टीम के साथ खेला हूँ, चांगली की टीम के साथ खेला हूँ, वीरेंद्र भाई की टीम के साथ। संजय भाई, हरियाणा की टीम है पंजाब में आती है, बढ़िया लगता है, दूर का अगर दूर की कोई टीम आती है उसकी फीलिंग थोड़ी ज़्यादा हटकी होती है, वैसे बढ़िया खेलती है हरियाणा की टीम, मुझे बढ़िया अच्छी लगती है, बलोट की टीम, बथरेड़ी की टीम, आपकी कैंथल की टीम, हैंडल मेरा वैसे फेवरेट प्लेयर है, मैंने हैंडल दे सब तो बड़ी क्वालिटी स्टैमिने की लगती है, हैंडल ने मैंने एक दो बारी कहा जैसे कहना भाई मैं 2 दिन लगातार नेट कर सकता, मैनू गल् वधिया लगदियां। हाँ चुगे कलां लई भी खेलिया भाई सुखजिंदर, सॉरी यार भुल गया सी, कोट भाई दी टीम दे लई खेलिया, वधिया भाई, जॉन्टी, जॉन्टी स्टार प्लेयर, जॉन्टी जॉन्टी नूं मैं एक बारी सब तो पहला मैं मल्ले टूरनामेंट ते खेलते हुए देखा सी, बहुत वधिया गेम है भाई दी, उत्थे मैनूं बहुत वधिया लगदा हुंदा सी, मैनूं साडे पिंड दे ने कहा कहिंदे वी इह जॉन्टी है, जॉन्टी खेडण आया, फिर मैं दे मैच देखे जॉन्टी दे, जस्से नाल खेलदे सी तुसीं, कालीए वाले नाल तुहाडा मैनूं लगदा फाइनल मैच लग्गिया सी, इह भाई अज कल जॉन्टी भाई मीडियम 'च वी मल्ला मार रहे हैं। हाँ साहिब जान की टीम लई भी खेडा सी भाई, थैंक यू दसन लई सुखे, पंजाब की भाई आती हैं दो चार टीम, जैसे रायसर आती है, जंटी और आते हैं, रिंकू और अंग्रेज आता है, वो टीम तो आती है काफी बढ़िया। लव भाई तुसी दसो, जीते भाई मेरे हिसाब से तो बठिंडा का एक ही स्टार है और आगे भी एक ही रहेगा, मुझे तो मेरा सबसे अच्छा मेरे एरिया का प्लेयर मुझे गोपा ही लगता है, अपना बढ़िया दोस्त भी है, प्लेयर भी है, तो बहुत बढ़िया इंसान भी है, मुझे मेरे एरिया में सबसे अच्छा गोपा लगता है, वेलकम भाई वेलकम जॉन्टी।
हाँ भाई सुखे मैं पहली बार ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਭਗਤੂ ਹੋਣੇ ਖੇਡਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਚੰਦ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਖੇਡੇ ਸੀ। ਜੱਸੇ ਹੋਰੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਜੱਸੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਤੱਖਰ ਸੀ, ਪੰਡਿਤ ਤੱਖਰ ਵਾਲਾ ਪੰਡਿਤ ਸੀ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜੌਂਟੀ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਲੇਟ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸੁਬਹਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੇਟ ਆਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 10-11 ਵਜੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਆ, ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਆ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਹੀ ਹੈ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਕੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਪਿੰਦਰ ਬਾਈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਂਟ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਰੈਂਟ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਂਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਲੀਗਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੈਂਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ ਰੈਂਟ, ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਲੀਬਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗੀ। हाँ सही बात है भाई, जीते आपकी। चलो नेट तो होती है, मुझे लगता है टाइमिंग तो फिक्स ही होनी चाहिए, फिर ही थोड़ा फर्क पड़ेगा। हाँ जी भाई लव, हाँ इकट्ठे खेडे सी। ਸੋਰੀ ਭਾਈ ਯਾਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੈਟਵਰਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। सही बात है अंकित तो भाई, हरियाणा में रेंट तो अच्छा मिलता है। ਰੂਲ ਬਾਈ ਸਾਹਿਲ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਇੱਧਰ ਇਹ ਬਰਨਾਲੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਰੂਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੌਂਟੀ ਟਿਕ ਜਾ ਤੂੰ। हाँ जी मेरे अनिल, मैं तो सभी को बोलता हूँ भी हरियाणा में सारी पंजाब की टीमें सभी खेलने जाएं, जितना बड़ा कंपटीशन होगा उतने मैच अच्छे लगेंगे।
इतनी ज़्यादा टीमें जाएंगी। बढ़िया मनी भाई, तू दस। सारे पी लो भाई वरिंदर। बदलने पिंदर हुण आपां इह तां नहीं वीरे कह सकते वी कहिड़े एरिए च बदलने चाहीदे आ, फिर इवें इतराज़ करदे ने, पर मैनूं इह लगदा वी रूल इक्को ही होणे चाहीदे आ सब लई। किसे एरिए दे विच कोई रूल हुंदा, किसे एरिए दे विच कोई रूल हुंदा। समझ नहीं आई साहिर वीरे, मैनूं दोबारा करियो मैसेज। पारस कासवान साहब जी भाई, सत श्री अकाल भाई जी। लड्डू नूं कौन नहीं जानता भाई, लड्डू नूं तो सारे जानते हैं, लड्डू तो उस्ताद अपना। ਲੱਡੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਣੀਆਂ ਖੇਡਣ ਗਏ ਸੀ ਜੱਸੇ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜੱਸੇ ਨਾਲ ਲੱਡੂ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਲੱਡੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਾ ਬਾਈ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੱਟੀ ਟੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥਰਡ ਬਾਲ ਅੰਡਰ ਹੈਂਡ ਖੜੀ ਕਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੈੱਟ ਟੱਚ ਫਾਉਲ ਹੁੰਦਾ, ਨੈੱਟ ਕੱਢਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਫਾਉਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੈੱਟ ਕੱਢਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ। ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੀ, ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਬਾਈ ਸਹਿਬਾਜ ਵੀ, ਬੂਟਾ ਬਾਈ ਵੀ,
वैसे तो मुझे लगता है संजय भाई रेंट तो चलो जितना बनता है देना ही चाहिए, पर कमेटी के भी कमेटी का मसला होता है ना, बजट के हिसाब से कमेटी रेंट देती है, सारी कमेटी एक जैसी थोड़ी होती है। लाइव बारे दस्ता सारा कुछ है उसके बारे, पहला दस्ता ही साहिल भाई, वरिंदर बारे जॉन्टी भाई, वरिंदर ने आपां नूं दो गल्लां बहुत वधिया लगदियां ने, एक तां जिहड़ी पट्टी तोड़दा ते दूसरा डिफेंस, मैनूं इहदे टर्निंग पॉइंट लगदे ने दोन्ने। भाई एक बार टाइम बताया यार, कितना टाइम हो गया बाइक को चलते हुए। सही बात है भाई जॉन्टी, एक तो ये है ना, एक तो बात हो गई थी टाइमिंग की, दूसरी बात हो गई थी इसकी रूल की, और तीसरी बात सबसे ज़्यादा मैसेज मुझे व्हाट्सएप पे ये आए, ये बोले भाई छोटी टीम को कोई रेंट नहीं देता, लिमिटेड टीम को कोई रेंट नहीं देता, लिमिटेड टीम दूर से आती हैं, जो तुझे पता ही है अपने एरिया में कितनी टीम है जो बड़े टूर्नामेंट पे खेलने नहीं आती। मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज आए भाई हमको रेंट नहीं देते, हम तो एंट्री भी नहीं छोड़ते, बोलते हैं एंट्री भी लेंगे, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है भी ये गलत बात है। वैसे तो फिर नए प्लेयर स्टार्ट ही नहीं होंगे, खेलने से पहले ही बंद हो जाएगी गेम। मेरे हिसाब से छोटी जो टीम है, जो लिमिटेड टीम है, उनको भी पहल के आधार पर रेंट देना चाहिए।
तगड़ा मैच वरिंदर चांगली का ये पिंड की कल्ली नरोल टीम का कहना कि जाए किसी टीम च खेडया दोबारा माड़ा जहा मैं दसी मैनू सही बात है अंकित तेरी। स्मैशिंग वॉलीबॉल में तो किट में ही जाना पड़ता है, टीम को अलाउड ही नहीं होता बिना किट के, खेलने नहीं देते, इसीलिए थोड़े प्लेयर अच्छे लगते हैं, प्लेयर खेलते कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है इसका। मेरे हिसाब से किट में ही खेलना चाहिए, टीम की थोड़ी सी वक्री पहचान बन जाती है। इन्हीं बातों का तो पंगा है विक्की, सभी सभी को एक बात को मानना चाहिए, फिर ही एक रूल होंगे सभी के लिए। थैंक यू विक्की भाई, विक्की मेहरा आज तो नहीं नहीं पिया है तू, पीना तो आ जा। मैं मेरे हरियाणा में संजय शूटिंग वॉलीबॉल में नहीं कभी खेलने आया, स्मैशिंग में आया हूँ 2-3 बार,
दो बार तो मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आए थे। हाँ वहाँ पे खेल के गए थे, हमारी टीम लेके गए थे पंजाब में से स्मैशिंग की। और एक बार मैं गांव का नाम भूल गया, इसी एरिया में था, कुरुक्षेत्र एरिया में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से था 20 किलोमीटर। मेरे नाम याद है, 3 बार खेलने आया हूँ स्मैशिंग में, शूटिंग में नहीं आया कभी। बढ़िया जसी, तू दस भाई ठीक ठाक हो? हाँ कैंथल का टूर्नामेंट मैंने कभी कई बार पूछा है, मुझे बताया था बरिंदर ने भी, बताया था एक प्लेयर ने और बताया था ओडा वर्ल्ड टूर्नामेंट पे, उन्होंने बताया था कि बहुत बढ़िया टूर्नामेंट होता है कैंथल में। वैसे मैं खेलने ना तो नहीं आया वहाँ पे, इस बार जरूर आएंगे। वैसे जहाँ की टीम अच्छी होती है वहाँ टूर्नामेंट तो अच्छा होता ही है। आपकी कैंथल की टीम अच्छी है, बढ़िया टीम है। गुरपाल कर लीजिए, बढ़िया भाई तुसी दसो। फैमिली बारे, मेरे दादाजी ने, दादी जी ने, मेरे फादर साहब ने, मेरी सिस्टर है, वाइफ है, डैडी है मेरा, माता मेरे एक्सपायर हुए हुए ने। बाकी तेनों पता ही है वरिंदर, तो फैमिली च आके तो गया घरे। गेम मैंने विरसे जो मिली है वीरे, पहला मेरा दादा खेडता हुंदा सी, फिर मेरा चाचा, फिर इन्होंने मैनू खेडन लाया। स्मैशिंग वॉलीबॉल मिली सी वैसे, जो चलो हुण शूटिंग खेलन लग गए। बढ़िया बब्बू भाई, तू सुना? बब्बू है जी चौ उतों, वॉलीबॉल स्मैशिंग दी बहुत बढ़िया गेम सी ये, शूटिंग से भी मेरे वांगू टाइम पास करता। स्मैशिंग असं कट्ठे खेलते रहे हैं।
ਵਧੀਆ ਜੱਸੇ ਭਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਵੀ ਕੀ ਭਾਈ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਲੀਬਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ, ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਬੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ। ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੱਧ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਫੈਟ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਫੈਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਪਹਿਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੈਂ ਚੋਈ ਖੇਡਿਆ ਸੀਗਾ ਬੱਬੂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਨਾ ਵਰਿੰਦਰ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਰੋਟੀਆਂ। ਸੰਜੇ ਭਾਈ, ਵਰਿੰਦਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਬ ਕਿਸੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪੇ ਸਾਥ ਜਾਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਇਨਕਾ ਕਾਮ ਮੁਝੇ ਲਗਤਾ ਹੈ ਸਬਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਤੀ, ਖੇਲਣਾ ਵੀ ਪੜ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਇਨਕੋ ਸਲੂਟ ਹੈ, ਸਬਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬਸੇ ਮਿਹਨਤ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। एक बार आओ तो वरिंदर ने तो टूर्नामेंट की बहुत बढ़िया प्लानिंग कर रखी थी, इसने कोरोना ने इसका टूर्नामेंट कैंसिल करवा दिया। वो बढ़िया टूर्नामेंट होना था चांगली में, तो मेरे से बात होती रहती है इसकी वरिंदर की। गलत बात ना कर, तू तो रोटी खाता ही नहीं हुंदा। ਕੋਈ ਨਾ, ਜੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੌਂਠੇ ਖਵਾ ਦਿਆਂ ਕਦੇ।
राम राम जी सुनील जी, कैसे हो भाई? ठीक ठाक हो? थैंक यू। जैसे और ठीक ठाक हैं? गेम चलती है थोड़ी? जानी जाना तू, तेन क्यों पता लगे? मैं टाइम देख रहा। यार जारा की भेती होंगी है, मैनू ये अपना भेती है, पहना दे भेती है। ठीक है भाई जी, राम राम सारे, सत श्रीकाल, आदाब। एक रिक्वेस्ट है बस, एक तो थोड़ा जहा वॉलीबॉल की टाइमिंग रूल, तो एक छोटिया टीमों में जो नवे खेड लगे थोड़ा जहाँ उन्होंने अगे लिया की कोशिश करा करो, थोड़ी जी अपनी यही रिक्वेस्ट है। मैंने यही सारे बद मैसेज आए ने, थोड़ा जहा इस गलते दौ ध्यान, क्योंकि छोटिया टीमों जो नवे खेड लगे अगे आने फिर ही अपनी गेम अगे जाऊगी, फिर ही वॉलीबॉल अगे जाऊगी। सो थोड़ा जहा ध्यान देने की लोड़ है, बेनती है अपनी, तो हुक्म तो कर नहीं सकते, थोड़ा जहा ध्यान दौ जी। ठीक है जी, बाय, मिलते हैं कदे फिर टूरनामेंट स्टार्ट होने पर। धन्यवाद जी सारे का जिन्होंने कमेंट किए, सवाल किए, वधिया लगे लाइव होके। धन्यवाद हरियाणे वालियां टीमों का, सारिया का जिन्होंने कमेंट किए, सारे प्लेयरों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, बाय, फिर मिलते हैं कभी।